नमस्कार, मैं प्रशांत कनौजिया, द वायर हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ दिल्ली के संसद मार्ग पे मौजूद हूँ, जहाँ JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और कारण यह है कि जो जम्मू कश्मीर में कठुआ में जो 8 वर्षीय आसिफा का बलात्कार हुआ, साथ ही साथ उन्नाव में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, कथित रूप से इन पर आरोप है कि उन्होंने गैंगरेप किया, और अब वो उनकी गिरफ्तारी को लेकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और 8 तारीख जो 8 साल की जो बच्ची है कश्मीर में, जिसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई, उसके समर्थन में वहां का जो बार एसोसिएशन है वो तक आ गया और चार्जशीट दाखिल करने से उसे रोक रहा है। आइए हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इन छात्रों का क्या पक्ष है इस पूरे मामले को लेकर। आज लखनऊ से दिल्ली में हो रहे इस प्रदर्शन को समर्थन करने आया हूँ। जिस प्रकार से उन्नाव से लेकर कश्मीर में घटनाएं घटित हो रही हैं, आज देश कहाँ खड़ा है ये समझने की बात है। इस भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार बनी हुई है, ये अपने चरित्र से इस देश भर में जो संदेश छोड़ रही है वो ये छोड़ रही है कि बलात्कारियों को बचाना है। देखिए, उन्नाव, कठुआ और JNU का भी जो संदर्भ है अतुल जौहरी, इन तीनों, ये तो बस रिसेंट इंस्टेंसेस है, इन तीनों घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि BJP ये खुलेआम सीना चौड़ा करके इस देश के महिलाओं को कह रही है कि तुम्हारे साथ बलात्कार होगा, तुम्हारे साथ मोलेस्टेशन होगा और हम बलात्कारी को बचाएंगे क्योंकि हम सरकार में हैं। सत्ता का संरक्षण बलात्कारियों के साथ है। आसाराम बापू से लेकर के राम रहीम से लेकर के जौहरी, और अभी देखिए आप BJP के MLA, चाहे वो कठुआ में हो या फिर उन्नाव में हो, लगातार सरकार कहती कुछ और है और उल्टा उसको संरक्षण देती है। कहती है कि बहुत हुआ नारी पर वार अब की बार मोदी सरकार, जबकि करती उनका संरक्षण है, पूरा प्रोटेक्शन देती है। जो ना होना था हमारे दौर में, ये क्यों हो रहा है जो ना होना था हमारे दौर में। यहाँ देखते हैं कि हम जो बलात्कारी अभी भी, मतलब उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उसके खिलाफ में हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। जो सत्ता में लोग ऐसे बैठे हुए हैं वो इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं और उनके पूरा जो महकमा है उनको सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में तो लगता है कि इस देश को, मतलब जो कहा जाता है विश्वगुरु बनने जा रहा है, मुझे नहीं लगता है इन चीजों से देश का नाम आगे बढ़ पाएगा। कठुआ में जो जनवरी में जो रेप किया गया था आसिफा के साथ, उस रेप के खिलाफ हमने जनवरी में भी प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया था जम्मू कश्मीर भवन पे, जहां हमें पुलिस ने बहुत जल्दी डिटेन कर लिया, जो इनका एक सोचा समझा चाल था ताकि वो बात जनता में तक पहुंच नहीं पाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहिए कि आपका वो वादा क्या हुआ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अगर ये हमारी बेटी को नहीं बचा रहे, हमारी बहनों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो आपको सत्ता से हट जाना चाहिए, कोई अधिकार नहीं बनता है। और मैं उस जिग्नेश मेवानी की बात को रिपीट करना चाहूंगा, अगर हमारी बहनों को, महिलाओं को, इस की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, तो आपको सच में हिमालय पे अपनी हड्डियां गलाने के लिए चले जाना चाहिए। महिलाओं को पता है कि ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमको डिवाइड करने के राजनीति में महिलाएं नहीं है। हम महिलाएं आज कहना चाहते हैं कि तुम बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो, हम धर्म नहीं देखेंगे, हम अपना न्याय मांगेंगे। आशिफा की पेरेंट्स की वकील जो है उनका नाम दीपिका रजावत है, उनको धमकी देने वाले जम्मू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और उसमें कांग्रेस के नेता भी हिंदू एकता मंच में शामिल हैं। राहुल गांधी ने उन्नाव पर ट्वीट किया है, कठुआ पर ट्वीट नहीं किया है। समझ लीजिए इसके पीछे की क्या राजनीति है, वहाँ क्या चल रहा है। सोचो जवाब क्या देंगे कल जो पूछेंगे बच्चे, सोचो जवाब क्या देंगे कल जो पूछेंगे बच्चे। खून क्या सचमुच में सस्ता था हमारे दौर में, खून क्या सचमुच में सस्ता था हमारे दौर में, खून क्या सचमुच में सस्ता है हमारे दौर।